हेलो फ्रेंड्स, आज हम अचार करेला बनाएंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है और एक बार बनाने पर महीनों चल जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए मैंने क्या लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम करेला। करेले को मैंने सबसे पहले राउंड शेप में बारीक बारीक पीस में चॉप कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून नमक लगाकर कम से कम 20 से 30 मिनट छोड़ दिया था। इससे क्या होता है कि करेले का जो भी कड़वापन होता है वो नमक के कारण ऊपर पानी की फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा निचोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे करेले में कड़वापन भी नहीं रहेगा और जो हमने उस पर नमक लगाया है वो भी बाहर निकल जाएगा। इसी के साथ मैंने इसमें डालने के लिए लिए हैं 3 प्याज। इसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, आप क्वांटिटी और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और अगर आपको प्याज कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम करेले को इस तरह से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जो कड़वापन है वो निकल जाए और उसके बाद हम इसे ड्रिंकिंग वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस तरह से करके मैंने सारे करेले को निचोड़ लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें से 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग करेले का पानी निकला, जिसको हम फेंक देंगे। इसी के साथ मैंने प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है और इस अब देखते हैं तड़के के लिए हमें मसालों में क्या क्या चाहिए। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 पिंच हींग, हाफ टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाने से करेले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मैंने मिर्च कम ऐड की है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने लिए हल्दी। इसी के साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप जब भी करेला बनाएं कोशिश करें उसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सबसे पहले हींग और मेथी। मेथी को हमें थोड़ा डार्क ब्राउन करना है, इससे क्या होता है कि मेथी का जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही मेथी डार्क ब्राउन हो जाएगी उसके बाद डालूंगी मैं इसमें प्याज। प्याज को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। हल्का सा कलर चेंज हो जाने के बाद मैं डालूंगी इसमें करेला और इसी के साथ डालूंगी बाकी के सारे मसाले। अब इन सब को मिक्स करके एक बार मसाले चेक कर लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें एडजस्ट कर लें। अब मैं इस स्टेज पर डालूंगी इसमें 4 से 6 टेबल स्पून पानी और इसी के साथ कुकर का लिड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर कुक कर लूंगी। इसमें जब मसाला लगने की खुशबू आने लगी थी मैंने उस टाइम पर गैस को बंद कर दिया था और कुकर का प्रेशर खुद ही निकलने दिया। जब कुकर का प्रेशर खुद निकल गया तो मैंने उसके बाद तुरंत लीड हटा दिया था, क्योंकि अगर हम लीड उस पर ऐसे ही ढका छोड़ देंगे तो गर्म करेला होने के कारण उस पर भाप गिरेगी और भाप से इसमें पानी बन जाएगा। इसलिए मैंने जैसे ही कुकर का प्रेशर खुद निकल गया उसके तुरंत बाद मैंने लीड हटा दिया था। और देखिए हमारा बिल्कुल ड्राई और कितना अच्छा करेला बनकर तैयार हुआ है। देखिए हमारा करेला जला नहीं बल्कि उसमें हल्का सा मसाला लगने पाया था, उसकी खुशबू आने लगती है, तब मैंने गैस बंद कर दी थी। आप कुकर में देख सकते हैं और करेले को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा करेला जला नहीं है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, गाजर हुए या करेला हुआ, इनका जब हल्का सा मसाला नीचे लग जाता है तभी इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें पानी या तेल की क्वांटिटी बढ़ाकर 1 विसल आने तक कुक कर लें, इससे आपका मसाला नीचे नहीं लगेगा। अब इसे ठंडा होने पर आप किसी कंटेनर में निकाल लें और उसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख करके आप इसे 1 से 2 महीने तक आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।